संसद में मणिपुर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सत्र के आखिरी तीन दिनों में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष से लेकर विपक्ष तक तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाया और जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने करीब दो घंटे से ज्यादा के अपने भाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा। इसे लेकर अब AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने संसद में 11 सवाल उठाए जिनमें से एक का जवाब भी नहीं मिला। ओवैसी ने ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, मैंने 11 सवाल उठाए, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक का भी जवाब नहीं मिला। मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम की निंदा करने से उनका इनकार हमें वो सब कुछ बताता है जो हमें जानना चाहिए। चीन पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त शी जिनपिंग से दोबारा मिलने की योजना बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीणा साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर चेहरे पर दाढ़ी देखकर उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना होगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि कट्टरपंथ की बेहतरीन मिसाल नहीं है, अगर है तो सरकार इस पर आखिरकार क्या कर रही है। ओवैसी ने अपने दूसरे पॉइंट में आगे कहा कि इस हुकूमत का जमीन जम्मू में 750 इमारतों को गिरा दिया गया इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे, वो पूरे के पूरे लीगल थे, इसलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जातीय संहार की कोशिश की गई है। तीसरे पॉइंट में ओवैसी कहते हैं कि मणिपुर का जिक्र निकला था, कल बड़ा लंबा जवाब गृहमंत्री ने दिया। असम राइफल्स के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, क्या हो रहा है वहाँ पर, कहाँ गया आपका जमीन जब वहाँ की महिलाओं की असमत लूटी जा रही थी। आप मुख्यमंत्री को हटाना नहीं चाहते क्योंकि वो कॉपरेट कर रहा है। हरियाणा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के लिए किसी शायर ने अच्छा ही कहा था, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ओवैसी का चौथा पॉइंट हिजाब को लेकर था। उन्होंने कहा कि हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। कहा गया कि आपका जमीर आखिरकार कहाँ है। तमाम तरीके के सवाल ओवैसी ने किए हैं और अब ट्विटर के जरिए ओवैसी ने ये कहा है कि इन सभी सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया है। संसद से जुड़ी हर खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।